प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित प्रदेशव्यापी कार्यक्रम को भाजपा का पार्टी कार्यक्रम बताया है। नैना देवी के विधायक व पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा 2019 के चुनावों के मद्देनजर रखते हुए सरकारी मशीनरी का इन जनमंच कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को गुमराह करके इसका दुरुपयोग कर रही है। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने नैना देवी विधानसभा का हवाला देते हुए कहा कि वे नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए विधायक हैं और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन जनमंच के नाम पे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने की। जिला प्रशासन की तरफ से आम लोगों को पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी शिकायत हेतु आमंत्रण भेजा गया, लेकिन वहां के विधायक होने के बावजूद ना तो जिला प्रशासन ना ही मंत्री के कार्यालय से उनको कोई आमंत्रण भेजा गया। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे नैना देवी के जन प्रतिनिधि हैं, वहां पर किस अधिकार से भाजपा के राज्य प्रवक्ता को सरकारी मंच से बोलने के अधिकार दिए गए। उन्होंने कहा कि क्या ये सरकारी कार्यक्रम का भाजपा कारण नहीं है तो और क्या है। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने खाने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन जिस तरह से लोगों के बैठने और खाने व जल आपूर्ति हेतु अव्यवस्था फैलाई गई, उसके लिए सीधे तौर पर जिला प्रशासन जिम्मेदार है। देखो, ये जो कार्यक्रम है ये पूरे प्रदेश के अंदर, आज छुट्टी का दिन है तो जो जितने भी जिले हैं, जिलों में जो जिला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो इन कार्यक्रमों का आयोजन करें, और बिलासपुर के लिए स्वारघाट जो है वो छांटा गया है, जिसमें श्रीमती सरवीण चौधरी जो है वो मंत्री हैं प्रदेश की, वो वहां पे आज आई हैं। और वहां पे अदरवाइज अगर देखा जाए जनमंच, तो ये बीजेपी का नाम दिया हुआ है क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव आ गए, तो इसलिए उनको कोई ना कोई मंच चाहिए, इसलिए जनमंच बन गया। अदरवाइज ये जो है वो ग्रीवेंसीज कमेटी जो होती थी पहले, के सरकारी ऑफिसर और मंत्री जाके लोगों की जो ग्रीवेंसीज है उनको सुनेंगे और उनका निदान करेंगे। आज वही उसी कार्यक्रम के अधीन ये कार्यक्रम हुआ है। मुझे हैरानी इस बात की है कि डिप्टी कमिश्नर ने जो नोटिस जारी किया है उसको अगर आप देखेंगे, डिप्टी कमिश्नर हैज नॉट इन्वाइटेड द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आई एम लोकल MLA ऑफ श्री नैना देवी जी कॉन्स्टिट्यूंसी एंड नो इन्फॉर्मेशन इज विद मी। डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय और जो हमारे यहाँ तक की जो मंत्री जी हैं, वो शी इज मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश, अगर वो क्या उनको कोई छोटापन होगा अगर वो विधायकों को अगर इसके बारे में सूचित कर दे कि मैं आ रही हूँ, और वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रही थी तो मुझे कोई सूचना उसकी नहीं है। लेकिन ग्रीवेंसीज के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है, और सोच रहे हैं कि जो आज क्योंकि बाई इलेक्शन जितने भी हुए हैं उसमें फजीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, और जो लोग आज कह रहे हैं, आज चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है चाहे प्रिंट मीडिया में, आज सबको पता लग रहा है कि मौजूदा सरकार पार्लियामेंट के चुनाव में 2014 में किन किन झूठे मुद्दों को लेकर आई थी, लोगों को मूर्ख बनाया गया, और आज की तारीख में सब लोग अपने आप को ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। इसलिए छटपटा गई है भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार के नए नए नाम देकर लोगों को ठगने का प्रयास हो रहा है।